अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हाउस बबलू लाहौरी। ये है मोटोरोला 1 5G। अभी ये फ़ोन 30,000 रुपये के नीचे आता है पाकिस्तान की मार्केट में और स्पेसिफिकेशन वाइज तो काफ़ी तगड़ा है। वो थर्ड क्लास किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं है जो इस रेंज के डब्बा पैक फोन, पिन पैक फोन्स में आपको मिल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मोटोरोला 1 5G का आज मैं क्लियर रिव्यू आपको देने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स। क्या ये फ़ोन 30,000 रुपये के नीचे लेने लायक है या नहीं, इस वीडियो में सब बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशंस आपको फ्यूचर वीडियोस के मिलते रहें। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, आप फिर लाइक कर सकते हो वीडियो। डिज़ाइन एंड लुक वाइज अगर देखें मोटोरोला 1 5G में तो कोई भी कमी नहीं लगी मुझे। बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट पे डबल पंच होल है। आजकल तो ब्रांड मतलब वाटर ड्रॉप नॉचेस दे रहे हैं, पुराने डिज़ाइन है ये, उनसे तो बहुत बेटर है। जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी, वो बैक साइड से और साइड फ्रेम इसका प्लास्टिक का है। और थोड़ी सी प्रोफाइल मुझे इस फ़ोन की थिक लगी है। उसका रीज़न ये है कि मोटोरोला के फ़ोन थोड़े से थिक भी होते हैं और इनमें बिकॉज बड़ी बैटरी भी रीज़न हो सकती है। वैसे हमने 5000 mAh बैटरी के साथ पतले फ़ोन भी देखे हैं तो इसकी थोड़ी सी हाँ प्रोफाइल थिक है। थोड़ा सा वजनी फ़ोन भी है, 212-213 ग्राम के आसपास। स्टार्ट में जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था थोड़ा मुझे फील हुआ था, लेकिन विद टाइम यूज़ टू हो जाता है बंदा इस चीज़ में। अब ये किट फोन सिंगल सिम के साथ आते हैं, ये चीज़ आपके माइंड में रहे। अगर ड्यूल सिम यूज़र हो तो ये चीज़ आप देख लेना। मेमोरी कार्ड लगता है और एक सिम मतलब हाइब्रिड स्लॉट है इसमें, और ऑडियो जैक भी इसके अंदर अवेलेबल है। साइड पे इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी है, उसकी थोड़ी सी मुझे हाइट ऊपर लगी है। और बाकी जो इसकी कॉल क्वालिटी है वो मैंने चेक करके देखी है, अच्छी कॉल क्वालिटी है। ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक भी है जो आजकल इस रेंज के फ़ोन्स में वैसे ही मिस होता है। तो हाँ, क्वालिटी अच्छी है, सिग्नल रिसेप्शन भी ठीक है, डेटा कनेक्शन के ऊपर स्पीड्स भी अच्छी आती हैं। ऑल्दो 4G प्लस का सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर नहीं है, लेकिन 4G LTE है, 5G फ़ोन है, 5G चिपसेट लगा हुआ, उसके मॉड्यूल्स थोड़े तगड़े हैं तो स्पीड्स अच्छी उठा लेता है। बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी है इस फ़ोन में, वोल्टी का सपोर्ट नहीं है। लाइक डेटा कनेक्शन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से कॉल आ जाती है तो इंटरनेट जो है ना, डेटा कनेक्शन वो बंद हो जाता है, वोल्टी में दोनों चलते रहते हैं। डिस्प्ले इस फोन में 6.7 इंचीज़ का है, ये एक IPS LCD पैनल है, 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो हाँ, चलने में भी स्मूथ है, HDR10 का सपोर्ट है यहाँ पे। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आप HDR कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी है। तो मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है, लाइक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, प्राइम वीडियो चलाते हो, फुल HD में आप चला सकते हो वहाँ पे। क्वालिटी डिस्प्ले की अच्छी है, इसके जो विंग एंगल्स हैं वो भी बड़े बेहतरीन हैं। हाँ, IPS पैनल है, बाहर थोड़ी हार्श लाइटिंग में सफ़र इसकी करती है विजिबिलिटी, बट अगेन अगर प्राइस रेंज को माइंड में रखें तो चीज़ें ठीक है। और इस फ़ोन में एक सिंगल ही स्पीकर आता है, नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर है, और इसकी जो लाउडनेस है वो काफ़ी धमाकेदार है। बेजल्स भी ठीक है, चिन का एरिया भी सही है, ड्यूल पंच होल है, तो फील भी एक लेटेस्ट वाला ही आता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी लगी है मुझे इसकी। परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे इस फोन में कोई कमी नहीं लगी, बिकॉज एक अच्छा हार्डवेयर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन 765 का 5G हार्डवेयर है, 7 nm के ऊपर है, तो पावर एफिशिएंट भी है। और ये स्नैपड्रैगन की जो 700 सीरीज़ के हार्डवेयर हैं, ये मोस्टली अच्छी परफॉर्मेंस ही निकाल के देते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज को माइंड में रखूं, लाइक 30,000 रुपये के नीचे मिलता है, आगे एग्जैक्टली मैं इसकी प्राइस रेंज और फर्दर डिटेल्स आपको देता हूं, बट 30,000 रुपये के नीचे ये फ़ोन मिलता है। और इस रेंज में अगर आप पिन पैक फोन्स में देख रहे हो, क्या मिल रहा है आपको, इवन आप 35 पे चले जाओ, 40 पे चले जाओ, हीलियो G35 जैसे हार्डवेयर मिल रहे हैं वीवो के Y21 में, Y02S में, ओप्पो के A57 में, और ये मतलब चल रहे हैं फ़ोन आजकल मार्केट में। तो वो फ़ोन हैवी यूज़ तो बहुत दूर रह गया, नॉर्मल यूज़ में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं निकाल के देते। तो यहाँ पे हैवी यूज़ भी कर रहे हो, एक स्टेबल परफॉर्मेंस निकलती है। गेमिंग भी अगर आपने करनी है, पबजी खेलते हो मोस्टली, आजकल यही टाइटल ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा 40 FPS के ग्राफिक्स हैं, जायरो हार्डवेयर वाला, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, 40 FPS काफ़ी स्टेबल निकाल के देता है, चाहे आप क्लासिक भी खेल रहे हो इसके ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर गेमिंग किया है, जो इस रेंज के मोस्टली टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन होते हैं जिनमें हीलियो G85 या G96 भी होता है, उनमें मोस्टली टच के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, टच फ्रीजिंग के इश्यूज़ होते हैं, जो इस फ़ोन में ऐसा कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज का कम्बिनेशन भी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्टोरेज भी UFS 2.1 वाली है, जिसकी स्पीड्स अच्छी होती हैं, जो एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, मल्टीटास्किंग को भी मतलब बेहतर हैंडल कर लेता है ये फ़ोन। बैटरी 5000 mAh की बैकअप नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ में एक दिन तो आराम से निकल जाएगा, 1.5 दिन भी निकल सकता है। लाइट यूज़र हो तो 2 दिन तक जा सकता है इसका बैकअप, हैवी यूज़र भी हो तो 1 दिन तो पक्का आपको मिल ही जाएगा इसकी बैटरी का। अब किट फोन्स होते हैं ना, इनकी पता नहीं चलता आपने किस कंडीशन में बाय कर लिया। मैंने जो बाय किया हुआ, मैं इसकी रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ। अगर किट फोन्स पे कोई बाइंग गाइड वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताना,
वीडियो को भी लाइक कर देना, डेफिनेट आपके लिए बना दूंगा। और बाकी ये 30,000 रुपये के अराउंड अगर आपको कोई और किट फोन भी मिल रहा है जिसमें स्नैपड्रैगन 855 या 845 भी है, तो उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उनका, मतलब बैटरी छोटी होती है और यूआई की कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के इशू होते हैं जिसकी वजह से लाइक जो एक्वस के फ़ोन्स आप ले लो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी निकल रही थी विद बैटरी बैकअप। बट एक इसका कौन है यहाँ पे कि इसमें 15 वाट की चार्जिंग है और चार्जिंग इसकी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाइक 2.5 घंटे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही चला जाता है टाइम। मैंने इसको 0 to 100 तो नहीं करके देखा, हाँ, बट इसका अगर आप ओरिजिनल चार्जर भी यूज़ करते हो या फिर कोई रंग बिरंगा चार्जर यूज़ करते हो, 15 या 18 वाट का बैटरी चार्ज होने में टाइम लेती है, बट एक बार इसको चार्ज कर डाला तो लाइफ जींगा लाला। कैमरास की तरफ आते हैं तो इस फोन की बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है 8 मेगापिक्सल का, और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी है जिसकी सराउंडिंग में एक रिंग लाइट इफेक्ट दिया हुआ है। क्लोजअप में जाके जब फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पे लाइट कंपनसेट करता है, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। और फ्रंट पे डबल सेल्फी, यहाँ पे भी 16 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब मैं क्विकली आपको इसके फोटो सैंपल्स दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। नेचर फोटोग्राफी, डे लाइट फोटोग्राफी, काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर ये कर लेता है और थोड़े से कलर्स को बूस्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता, डिटेल्स अच्छी रहती हैं, आई प्लीजिंग लगती हैं फोटोज इसकी। और डायनामिक रेंज भी अच्छी कैप्चर कर लेता है बैक कैमरा से, और जो शेडो एरिया में हाईलाइट्स हैं, एक्सपोजर बैलेंस है वो भी अच्छा कर लेता है। अगेंस्ट द सनलाइट जाते हो तो अच्छा मैनेज करता है लाइट को। ह्यूमन स्किन्स पे आते हो तो स्किन टोन्स भी अच्छी हैं, डिटेल्स अच्छी लगी हैं, कोई मतलब ज़्यादा बूस्ट या नहीं करता कलर्स को। पोर्ट्रेट मोड भी अच्छे हैं, एडजस्ट सम टाइम ऊपर नीचे हल्की फुल्की आगे पीछे करता है, बट अगेन आई प्लीजिंग पोर्ट्रेट फोटोज जो आप इसके कैमरा से ले सकते हो। लो लाइट में मैं इंडोर पिक्चर कैप्चर किया तो नाइट मोड ऑन करके ना थोड़ी शार्पनेस करी, डिटेल वापस आ जाती हैं, पोर्ट्रेट भी हल्का सा सॉफ्ट है। और अल्ट्रा वाइड अगर आप देखते हो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस मैं ठीक ही रेट करना चाहूँगा। मैक्रो फोटोज भी काफ़ी अच्छी निकालता है, 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। सेल्फीज भी आ जाएँ तो अगेन जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है ना, डिटेल्स तो अच्छी हैं बट जो बैकग्राउंड में स्काइज है ना थोड़ा सा HDR वो मैनेज करने में आगे पीछे हो जाता है, बट जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है इसका काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है 8 मेगापिक्सल का, तो ये भी एक अच्छी बात है। और फ्रंट पे नाइट मोड के साथ डिटेल्स बेटर हो जाती हैं, वैसे सॉफ्ट आती है पिक्चर। अगर वीडियोस देखो ना तो 4K 30 FPS तक जाती है बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग, और EIS का सपोर्ट है, काफ़ी स्मूथ स्टेबलाइजेशन है। डिटेल्स में ठीक ही कहूँगा जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आ रहा है, बस ये होता है जो हार्श लाइटिंग है ना, मज़ाहिर है वीडियो में HDR वीडियो तो नहीं अवेलेबल, तो इसलिए जो हार्श लाइटिंग स्काइज है उनकी डिटेल थोड़ी आगे पीछे करता है, बट अगेन इस रेंज के फ़ोन में वीडियोग्राफी स्टेबलाइजेशन ठीक है। फ्रंट साइड पे भी 2 टाइप की वीडियोस हैं, 2 सेंसर्स हैं, अल्ट्रा वाइड जो है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का ज़रा अच्छा फील्ड ऑफ व्यू दे देता है। डिटेल्स मैं दोनों के ठीक रेट करना चाहूँगा, तो इस प्राइस सेगमेंट 2829 के हिसाब से ना इसके जो कैमराज हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में डिसेंट लगे हैं मुझे। इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर को मैंने थोड़ा डीपली एनालाइज़ किया, उसको टेस्ट किया ताकि देखो कोई इश्यूज़ तो नहीं है, बिकॉज ये किट फोन्स में बाहर से आ रहे होते हैं, ग्लोबल मार्केट में इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और PTA हमारा माशाल्लाह उसी प्राइस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा होता है। आल दो ये पाकिस्तान में अभी बिक रहा है कोई 28-29 हज़ार रुपये की रेंज में, और इसका जो PTA टैक्स है वो 40,774 रुपये है। अब जाहिर है इतना टैक्स तो कोई भी नहीं पे करेगा, तो फिर क्या किया जाता है, इसको पैच किया जाता है, इसके IMA को उसको रिमूव किया जाता है। पैचिंग करते हुए सॉफ्टवेयर जो है समटाइम इफेक्ट हो जाता है, उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं निकलती उसमें से। अब यही मेरे कंसर्न होते हैं मोस्टली कि यार मतलब जब आप पैसे खर्च रहे हो, सॉफ्टवेयर सही नहीं है, पैच हुआ हुआ है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, मैंने मतलब जो चीज़ें एक्सप्लेन की थी। बट पीपल जो हैं, यूज़र जो हैं, वो देखते हैं यार स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं 30,000 रुपये में, घटिया तरीन स्पेसिफिकेशन पिन पैक फोन्स में जब मिल रही हैं तो फिर यही ऑप्शंस बचती हैं, फिर उस चीज़ को देखने के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ता है कि यार हाँ इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। इसको मैंने रीसेट भी करके देखा है, पैच इसका नहीं उड़ता, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस ठीक है, स्टेबल निकलती है, बैंकिंग ऐप्स भी चल रही हैं, जो सिक्योरिटी पैचेज या इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो भी इस फोन को मिल रही हैं। एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, 12 की अपडेट इसको आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, फिलहाल जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का वो ठीक जा रहा है इस फोन के साथ। और मोटोरोला के फोन्स में इनके जो कस्टम फीचर्स होते हैं ना, लाइक जो चॉप चॉप फ्लैश लाइट है, शेक करने से फ्लैश लाइट ओपन हो जाती है, या फिर राइट लेफ्ट शेक करने से इनकी जो कैमरा ऐप ओपन हो जाती है, ये फीचर्स मुझे काफ़ी यूजफुल लगते हैं। और अगर आप में से कोई यूज़र है मोटोरोला 15G का, तो वीडियो के कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मोटोरोला 15G इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो प्राइस इस फोन की मिल रही है 2829 हज़ार रुपये,
ये PTA पैच में मिलता है, अच्छी कंडीशन में इस रेंज में आपको मिल जाता है। फीचर्स तो सारे तगड़े हैं, मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट हाँ जो पैचिंग है ये चीज़ कंसर्निंग है। अब एज ए रिस्पॉन्सिबल रिव्यूअर अगर ऑफिशियल PTA वर्सेज पैच अप्रूव की बात आती है तो मैं हमेशा PTA ऑफिशियल की तरफ ही जाऊँगा। पैचिंग जो है वो इलीगल है, इलीगल चीज़ को मैं इंडोर्स नहीं करता, बट PTA ने भी थोड़ी हद मुका दी है, जिसको कहते हैं टैक्सेस बहुत हैवी हैं। 30,000 रुपये में नए जो डब्बा पैक फ़ोन आ रहे हैं, इवन 35-40 में भी कोई अच्छे फीचर्स नहीं आ रहे हैं, उन पे पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हीलियो G35 जैसा हार्डवेयर है जो मतलब नॉर्मल यूज़ में भी ठीक परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सस्ते मिल रहे हैं फ़ोन, फीचर्स अच्छे हैं इस फ़ोन में, ऑल्दो इनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। PTA अगर इनकी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कोई सिस्टम लेके आए तो फिर हर बंदा इसको ऑफिशियल PTA करा ले, पैचिंग ना करनी पड़े। तो बहरहाल पैचिंग से मैंने देखना ये था कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सॉफ्टवेयर इसका ठीक है, मतलब उसमें इश्यूज़ नहीं है। तो अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसको फीचर्स ज़्यादा चाहिए कम प्राइस में, पैचिंग वगैरह आप मतलब कंसिडर कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। इस फ़ोन को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि इसके प्राइस के हिसाब से एक अच्छी वैल्यू देता है, एक रिकमेंडेड पैकेज है ये मेरी तरफ से। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, मोटोरोला 15G का अगर यूज़र मेरी वीडियो देख रहा है तो आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगा वीडियो के कॉमेंट्स में। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।